बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक पेपर शुरू किया था LDC का, लोअर डिवीजन क्लर्क। ये पेपर 28/7/2019 को हो चुका है। आज इसका पार्ट सेकंड अपलोड कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट इस्लामियात पोर्शन था और पार्ट सेकंड आज का पार्ट जो है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इनके अहम पोर्शन है, तमाम पेपर्स के लिए यकसाम उम्मीद है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर चूंकि डिम है, नजर सही तरह नहीं आ रहा है, इसीलिए इस पेपर को मैं MS Word में लिख चुका हूं ताकि वहां से हम आसानी से हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16, इन मार्च 2018 मुजाहिद अनवर खान टुक ओवर एज पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ। तो यहां पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में एरर इसलिए कि इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज, एरर नहीं बल्कि नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो 15 नंबर पर हैं। मुजाहिद अनवर खान 19 मार्च 2018 को उसने हेल्प लिया था और 18 मार्च 2021 को रिटायर होंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस ताहिरा सफदर, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखें दोस्तों, टू इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वर शूट डाउन बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस ऑन 27 फरवरी 2019, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 19 को देखे, 19 नंबर क्वेश्चन, प्रेसिडेंट आरिफ हेलवी कॉन्फर्ड हाईएस्ट ऑफ सेवल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। 18 फरवरी 2019 को आरिफ हेलवी ने सलमान को निशाने पाकिस्तान पेश किया था, ऑप्शन डी एस पे करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी KSES, तो उसका नाम था SGS-1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, आरिफ एलवी सोन इन एस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कितने नंबर, 13 नंबर पर, इससे पहले 13 सुदूर ऑलरेडी गुजर चुके हैं, सॉरी 12, और इसका नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अजीज कमीलो अरॉयड इन इस्लामाबाद 1/11/2018 में अराय किया था, कौन थे, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सारी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में रखी गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 25 देखे, 1935 में सिंध बॉम्बे से अलाहिदा हुआ था, किस वजह से, सिंध साइमन कमीशन रिपोर्ट की वजह से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों, जिना 24 पॉइंट्स वर फॉर्मुलेटेड इन मार्च 1929, और कायद आज़म मोहम्मद अली जनानी 14 नुकात नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में पेश किए थे, उसके जवाब में पेश किए थे।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड इट्स बिजनेस थ्रू 8 सब कमिटीज, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर, द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाई शाहजहां, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, द अकाउंट ऑफ बाबर्स लाइफ वॉज रिटन इन तुर्किश, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर, बीबी का मकबरा ये किसका टम है, मिजार है, ये औरंगजेब की बीवी, ऑप्शन डी औरंगजेब वाइफ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू अलाउ ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश ट्रेड लिंक इन द इंडिया, जहांगीर थे वो, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर प्लस 55, दिस इज द कॉलिंग कोड ऑफ ब्राजील, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लिक एल ई के इट इज द करेंसी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया की करेंसी का नाम लिक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34, ओसोलो, ओस्लो इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 35 को देखे, 2012 के ओलंपिक गेम्स जो थे दोस्तों वो लंदन में हुए थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 36, सर सैयद अहमद खान जो थे 1898 में वफात पा गए थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 37 थे कि फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1843, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 48, लॉगरिथम टेबल वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 39 थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वॉज पब्लिश्ड इन 1687, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 थे कि 100 ईयर वॉर इट वॉज पार्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 41 को देखे, न्यूमिसमेटिक इज इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ काइंस, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 42 थे कि आज का आखिरी क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनवी इन 1025, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूंगा। आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।